राजा महाराज वाले राम भोली पर बोली आप जहाँ कहीं भी हो सबका नया पुलिस का उठने पर आ जाए गांव गढ़खोड़ी आप जहां कहीं भी हो तत्काल नया घाट पुलिस चौकी पर आ जाए आपका इंतजार कमलावती देवी कर रहे हैं। कि रामपथ जो हमारे दर्शनार्थी हैं श्रद्धालु हैं उनके मेनली रामनवमी में तीन मेन इवेंट पे वो आते हैं। नागेश्वर मंदिर पे आते हैं, राम जन्मभूमि के दर्शन करने आते हैं और हनुमान के दर्शन करने आते हैं कनम भवन के। इस पूरे रूट पे जो हमारा रामपथ पे काम चल रहा है उस पे रामपथ पे एक साइड काम चल रहा है और पिछले एक हफ्ते से माननीय आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय निर्देश दिए थे एक्सएन पीडब्ल्यूडी को कि वो जहाँ जहाँ मिट्टी के ढेर लगे हैं वो मिट्टी के ढेर हट जाएं। इसके अलावा जहाँ जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे पर्याप्त बैरिकेडिंग ग्रीन वॉश और साथ में जो हमारी टीम होती है उससे पर्याप्त बैरिकेडिंग करा दें ताकि जहाँ जहाँ डाइवर्जन हो वहाँ पे डाइवर्जन का बोर्ड लगा दें ताकि श्रद्धालुओं को मालूम रहे कि उन्हें कहाँ कहाँ से डाइवर्ट होना है और ताकि किसी प्रकार के कोई गड्ढे में गिरने की या किसी पर कोई आशंका ना हो। पिछले एक हफ्ते से काम चल रहा है और हमारा जन्मभूमि पर तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा तैयार हो गया है। क्योंकि हमारा रामपथ पे नया घाट से हनुमानगढ़ी और हनुमानगढ़ी से सिंगार घाट के जो बीच में बैरिकेडिंग है वो लगी हुई है। सारे मजिस्ट्रेट अपने अपने पॉइंट पे लगे हुए हैं और अभी तक चूँकि कल से मेला शुरू हो गया है आज भी काफ़ी भीड़ थी और सब ठीक चल रहा है। CO ट्रैफिक और जो उनकी पुलिस की जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपने वाहनों की पार्किंग, पब्लिक को मोटिवेशन, मेडिकल सिस्टम, PAO का सिस्टम, PA सिस्टम वो सब पर्याप्त मात्रा में चल रहे हैं। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रामनवमी मेला के नाम से बना है जिसमें सभी अधिकारी और सभी जो इसमें जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं अपनी लोकेशंस यदि कोई समस्या है तो उसको भी डाल रहे हैं ताकि हम यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किसी विभाग की कोई समस्या होती तो उसको ठीक कराते हैं। जनपद अयोध्या में खासतौर से हमारा अयोध्या धाम क्षेत्र में कल रामनवमी के लेके कई श्रद्धालु आ सकते हैं उसके लिए हमने पूरा अयोध्या धाम क्षेत्र का हमने 7 जोन से बांटा है। हर जोन का प्रभारी एडिशनल SP लेवल ऑफिसर उसका लगा है। उसके साथ नीचे कई सेक्टर से हमने डिवाइड किया हर जोन का सेक्टर प्रभारी DSP लेवल ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर्स लगा है। उसके साथ साथ पार्किंग के लिए व्यवस्था भी बनाए, 7 जगह में पार्किंग की व्यवस्था कराया, पूरा हम लोग इसका विस्तार से प्रचार भी किया कहाँ कहाँ पार्किंग है। इसके अलावा हमारा पूरा क्षेत्र में PAC और
सेंट्रल पैरामिलिट्री पोस्ट वो भी लगी है और पर्याप्त पोस्ट बल हमने लगा हो जो श्रद्धांजलि को सुविधा के लिए है। हम लोग उसका लगातार वहाँ जो कितना भी करोड़ आएगा उसका अच्छी तरीके उनका सुरक्षित उनका दर्शन करवाएंगे और साथ साथ हमारा ड्रोन का माध्यम से भी हम लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं और नो पार्किंग और नो एंट्री वगैरह भी लागू किया है। खासतौर से हेवी व्हीकल्स का ट्रैफिक जरूर कंसर्न तो हेवी व्हीकल्स का ट्रैफिक डाइवर्सन भी हम कराएंगे। वर्तमान अभी तक सही तरीके चल रहे कहीं कोई दिक्कत नहीं है और पुलिस और प्रशासन मिलकर पूरा सुविधा दिया है अच्छी तरीके श्रद्धालुओं को दर्शन करवाएंगे। रामनवमी में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा किसी प्रकार से भी ट्राली पे जो है यात्रा नहीं करेंगे यात्री, तो ट्राली को लेकर आपने क्या निर्देश जारी किया है? अभी ट्राली हमारा लोकल से तो कोई आते ही नहीं, फिर भी हम लोग का मैक्सिमम अभी तक कोई ट्राली पे आया ना, हम कंसर्न पड़ोसी जनपद सभी जगह से सबका अपील किया है कोई आदमी ट्राली से श्रद्धालु नहीं आएंगे और लोकल का भी कोई नहीं आएंगे, उसके भी हम लोग एडवाइजरी जारी किया है और लोकल पुलिस के माध्यम से उनको जागरूकता भी किया है।